मीरा भाईंदर से सटा उत्तर के पास ऐतिहासिक किला है। ये किला शिवाजी राज्य के जमाने का है, जिसे चिनप्पा धारावाही किले के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाल के जमाने में बना ये किला एकमात्र ऐसा किला है जो महाराष्ट्र और मुंबई में दाखिल होने का मार्ग दिखाता है। किले की बनावट ऐसी है कि इससे वसई का किला भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों से किले की कोई देखरेख नहीं हुई, जिससे ये कहीं खो सा गया था, जिसे पुनर्जीवित करने का काम कुछ युवाओं ने किया है। इन युवाओं ने आगे आकर किले की साफ सफाई और किले को पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन बोलिए या जिलाधिकारी कार्यालय बोलिए, महसूल विभाग ने इस किले को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये किले का इतिहास बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि पुर्तगीजों का तीन प्रमुख राजधानी थी, एक सूरत, दूसरा वसई था, तीसरा गोवा था। और वसई के किले पे पुर्तगीज केवल व्यापार के दृष्टिकोण से आए तो भी उन्होंने वहाँ के महिलाओं के साथ या वहाँ के भारतीय नागरिकों के साथ अन्याय और अत्याचार दोनों करना शुरुआत किया। तब वहाँ के एक नागरिक ने पत्र के द्वारे बाजीराव पेशवे जी को कांटेक्ट किया, और बाजीराव पेशवे जी उत्तर भारत की तरफ जा रहे थे मुहिम में, तो उन्होंने अपने छोटे भाई श्रीमंत चिमन जी अप्पा उनको यहाँ पर भेजा, और वो यहाँ पर आए अपने सैनिकों के साथ। और यहाँ के स्थानीय गांव के लोग थे, मुर्दाराही मोरवा के लोग भी उसमें उस सेना में शामिल हुए।